हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विगीज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंजक पूजन गिफ्ट आइडियाज़। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी स्टेशनरी के सामान की। तो स्टेशनरी के सामान में आप ऐसे पैक बना के भी दे सकते हैं, पेंसिल, रबर, इरेजर और शार्पनर और स्केल्स का। और अगर आप सिंगल देना चाहते हैं तो आप सिंगल भी ऐसे एक पेंसिल बॉक्स दे सकते हैं। इसके अलावा आप दे सकते हैं कलर्स। कलर्स भी बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, तो आप जो वैक्स कलर्स हैं, छोटी कन्याओं को वैक्स कलर, बड़ी कन्याओं को स्केच पेन वगैरह भी दे सकते हैं। और मिक्स एंड मैच करके आप इन्हें पाउचेस में रख के भी दे सकते हैं। और इसके अलावा आप सिंपल पाउचेस भी गिफ्ट कर सकते हैं, फैंसी पाउचेस जो आते हैं वो भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। और इसके साथ आप एड ऑन कर सकते हैं कलर बुक। जैसे आप कलर्स दे रहे हैं तो साथ में कलर बुक ऐड कर सकते हैं। पेंसिल सेट दे रहे हैं तो आप एक ड्राइंग बुक ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप मिक्स एंड मैच करके गिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा जो आइटम है वो है एसेसरीज, यानी कि कन्याओं को आप हेयर बैंड्स दे सकते हैं, हेयर क्लिप्स दे सकते हैं, हेयर रिंग्स दे सकते हैं। तो इस तरह से जो 5-5 रुपए के हेयर रिंग्स के सेट्स आते हैं वो दे सकते हैं, 10 रुपए के हेयर बैंड्स दे सकते हैं, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दे सकते हैं। और आप इन्हें मिक्स एंड मैच करके एक पाउच में रख के भी दे सकते हैं, ट्रांसपेरेंट पाउच में रख के दे सकते हैं, हैंडमेड पाउच बना के दे सकते हैं। और छोटे छोटे बैग्स कन्याओं को बहुत पसंद होते हैं, उनके अंदर छोटी छोटी सी कैंडीज डाल के वो भी दे सकते हैं आप। तो इस तरह से आप जो एसेसरीज़ हैं, जो क्लिप्स वगैरह, ये सब बहुत पसंद आती हैं कन्याओं को, टिक टक पिंस हैं, इस तरह के क्लिप्स वगैरह आप दे सकते हैं। थर्ड नंबर पे मैं बात करूँगी चिप्स, चॉकलेट एंड कैंडीज़ की। तो चिप्स के पैकेट 5 रुपए से स्टार्ट होके 20 रुपए तक आप जिस रेंज के लेने चाहें आते हैं मार्केट में, वो आप दे सकते हैं। चॉकलेट्स हर तरह की रेंज की मार्केट में आती है, 5 रुपए की चॉकलेट भी आती है और 20 रुपए की भी आती है। जो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार देना चाहते हैं वो आप गिफ्ट कर सकते हैं। 4-5 तरह की कैंडीज आप मिक्स एंड मैच करके एक बास्केट में पैक करके भी दे सकते हैं। बास्केट आप हैंडमेड भी बना सकते हैं, घर पर बहुत ही ईजिली बन जाती है। तो इस तरह से आप खाने पीने के आइटम्स भी कन्याओं को दे सकते हैं गिफ्ट में। फोर्थ नंबर पे मैं बात करूँगी प्लेट्स एंड बॉक्सेस वगैरह की। तो यहाँ पे आप प्लेट्स, सुंदर सुंदर प्लेट्स आती हैं प्लास्टिक की, वो आप दे सकते हैं। उसमें हलवा, चना, पूरी, जो भी आप रखना चाहें वो आप रख के दे सकते हैं। बॉक्सेस आते हैं, लंच बॉक्स आते हैं, सुंदर सुंदर और भी बहुत तरह के बॉक्सेस आते हैं। उनमें आप हलवा, चने का प्रसाद आराम से रख के दे सकते हैं कन्याओं को। छोटी छोटी कन्याएँ होती हैं, गिरने का भी डर नहीं रहता और अच्छा भी लगता है देने में। साथ ही आप उन्हें मग, ग्लासेस वगैरह सुंदर सुंदर आते हैं वो आप उन्हें दे सकते हैं, बॉटल्स आप उन्हें दे सकते हैं, और इस तरह के सामान आप उन्हें दे सकते हैं। और अब इसके बाद मैं बात करूंगी टॉयज एंड गेम्स की। तो आप यहाँ पे उन्हें पिगी बैंक दे सकते हैं, सुंदर सी पैकिंग करके आप टॉयज दे सकते हैं बच्चों को, तो पिगी बैंक है यहाँ पे। किचन सेट्स जो है वो कन्याओं को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और ये हर रेंज के आते हैं। आप इन्हें होलसेल मार्केट से खरीदेंगे तो आपको और भी सस्ते पड़ेंगे, तो आप ये किचन सेट वो दे सकते हैं। और डॉल्स दे सकते हैं आप कन्याओं को, जो डॉल बहुत पसंद होती छोटी छोटी कन्याओं को, तो आप डॉल्स दे सकते हैं। सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह आप दे सकते हैं। तो इस तरीके के आइटम्स आप उन्हें दे सकते हैं। सिंगल आइटम देना चाहते हैं सिंगल दें, मिक्स एंड मैच करके देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। तो इस तरह से कुछ आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर करे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। जय माता दी।